छोटी सी टनल, दो तीन छोटी टनलें भी आती है यहाँ पर। लाइटें तो है पर इन्होंने चलाई नहीं, क्यों है ना? बिजली का बिल नहीं भरे सरकार। फीलिंग तो यहाँ की ऐसे कि मजा आ रहा है पर ठंड यहाँ बहुत है यार। आजकल फुल ऑन गर्मी है फिर भी यहाँ पर मार्केट ठंड लग रही है। है उस्ताद जी, है ना? है तो बीमार हो गया हम, शीशे बंद करके चले हुए फिर भी मार्केट ठंड लग रही है। अभी तो अटल टनल भी नहीं पहुंचे, अभी ठंड स्टार्ट हो गई है। अभी हमें दारचा जाना है तो सोचो मार्को आगे कितनी ठंड लगेगी। तो बस बारिश ना पड़े और मौसम ऐसा ही रहे तो हम अच्छे से हमारा सफ़र हो जाएगा। और हमने जो मटेरियल डाला हुआ है वो ग्राम पंचायत का है, तो अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक अच्छा सा पुल आया, इसका व्यू देख लो आप लोग ज़रा। थोड़ा ऑक्सीजन का पंगा रहता है तो जो आइशर गाड़ियाँ थोड़ा बैटर फील नहीं करती यहाँ, इसलिए मेरी बिलो बैटर फील नहीं कर रही है। जो दूसरा ट्रक है हमारा वो माजदा है, वो यहाँ पर बैटर फील करता है। तो ज़्यादातर यहाँ पर आइशर गाड़ी वाले आते भी नहीं है इस इलाके में। ज़्यादातर आपको माजदा, अशोक ले लैंड और टाटा के ही ट्रक मिलेंगे। तो फिर भी अपनी बिलो मानती नहीं यार, चलिए बढ़िया। तो बने रहो ब्लॉग में, आपको ऐसे में अच्छी अच्छी बात वादियाँ दिखाऊंगा। मौसम टूट गया गाड़ी का, मोशन सेकंड गियर डाल दे यार ब्रो। तो दोस्तों यहाँ पर बर्फ तो दिख रही है, बर्फ बिताएंगे आपको जैसा जैसा दिखेगा आपको बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे ब्लॉग में। कमेंट शेयर करो और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। लाला खर्चा नहीं देता था, लाला नहीं खर्चा देता। अच्छा, ये लग रहा है 8,000 रुपए जी। लाला बोला ठीक है, बोले पाए थे तेरे खाते पाए ले तू मौसम बनी उस्ताद डाओ खाते ना बोले फोड़ पेड़ा मौसम टूटे था सर। यहाँ पर ये वो लोकेशन है दोस्तों जहाँ पर अटल टनल का मटेरियल तैयार किया जाता था। टनल के अंदर घुस गई, टनल कंप्लीट करके निकली थी। ये घूमती चारों पासे को कैसे जहाँ मर्जी को घुमाए, इसका जो पकेट होता ना वो आगे पीछे सब नीचे सारी जगह। ये वाली अटल टनल रह चुकी है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी अटल टनल, तो अटल टनल का व्यू बताता हूँ आपको मैं।
तो बने रहो ब्लॉग में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के बाहर, तो यहाँ का व्यू देख सकते हो आप। पर हमारे को एंट्री करानी पड़ेगी। एंट्री। सर हम जा रहे हैं जिस पर टाइल है इसमें जी। ठीक है जी। एक नंबर गाना नहीं लगता यार, सिग्नल भी जी होता है। बीएसएनएल या फुल है। चुके हम टनल के बाहर। ये है टनल के बाहर का व्यू दोस्तों, देख सकते हैं आप। उस्ताद जी कैसा लग रहा है टनल के बाहर आके? ठंडा कूल। टनल से बाहर निकल गए, मेरे को तो नींद ही लग गई टनल में दोस्तों। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है हमारे को, हम इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करो। तो बिल्लो आज भी बहुत सेक्सी लग रही है। बिल्लो ने पूरी जान लगाई हुई है अपनी हमारे को अच्छे से पहुंचाने में। बाकी ये अटल टनल, बने रहो ब्लॉग में। दोस्तों हमारी गाड़ी हो चुकी है ख़राब, मेरी बिल्लो तो है ठीक, ये हो चुकी है ख़राब। ओए गंजे की गाड़ी हो चुकी है ख़राब, इसकी शाफ्ट झूल गई है नीचे। बोले तो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं शाफ्ट, इसके बिना गाड़ी नहीं चलती है। अपनी बिल्लो नहीं होती कभी ख़राब, ये अपनी डार्लिंग है, सेक्सी है, कभी ख़राब नहीं होती है। ये जितने मर्जी ले जाओ उसको, कुल्लू मनाली बॉम्बे दिल्ली लेह लद्दाख, ये कभी भी ख़राब नहीं होती है। ये हो चुकी है ख़राब तो अपनी, ये अभी ठीक है अपनी गाड़ी। इसमें हम तो अपने रूट पे जाएंगे भाई, इसकी गाड़ी ख़राब हुई है, बैठ के रह गए यहाँ। मतलब भाई मैं अपनी बिल्लों का बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, इसलिए मेरी बिल्लों कभी ख़राब नहीं होती है। मैं इसका काम टाइम टू टाइम करवाता हूँ। अब ये नए चेले इनको पता लगता नहीं, अब क्या बोले हैं, तो मेरा ही चेला, अब क्या बोल सकते हैं। तो धोखा खा गया चेला। गाड़ी दोस्तों कभी भी कहीं भी धोखा दे सकती है, तो आराम से चलो यार, जो भी ड्राइवर लोग हैं आराम से चलो, आराम से चलाओ गाड़ी, कुछ नहीं है। गाड़ी कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लोहा है कहीं भी टूट सकता है। बाकी यहाँ का व्यू देख लो आप,
अटल टनल के बाहर का व्यू है ये। मेरी बिल्लो एकदम ओके है व्लॉग में, आपको इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी जगह बताता रहूँगा। अभी हम कहाँ जाएंगे पूरा बताऊँगा मैं आपको दार्चा तक का। बने रहो ब्लॉग में और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, कमेंट करो और फैला दो वीडियो। मनाली से लेके लास्ट पेट्रोल पंप पर, तो अभी डाला जा रहा है जिलों में डीजल। तो बने रहो ब्लॉग में, आपको ऐसी मस्त मस्त जगह बताएंगे। वो भी आगे दोनों नदी का मिलाप होने वाला है, चंद्र और भागवता। तो बने रहो ब्लॉग में। तो तुम्हारे भाई को मिल चुका है अपना भाई, पालनपुर से आए मैं सिर्फ, मैंने मेरी गाड़ी दिखी और मेरी बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई से मिलके, प्राउड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, मिलते ओके। ये भी अपने ड्राइवर भाई है ना, तो ठीक है भाई ओके। ब्लॉग बनाएंगे ना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो भाइयों ये है केलोंग का राइट साइड का व्यू,
तो अभी आपको लेफ्ट साइड का व्यू बताएंगे, बने रहो ब्लॉग में। पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पर। अभी मैं यहाँ, ये जगह का नाम तो नहीं मेरे को आता पर जगह बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर केलोंग से 15 किलोमीटर आगे। अभी भी मेरे को यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाना है जिस्पा। मेरी जो बिल्लो है वो तो जिस्पा में खाली होगी। तो दोस्तों बने रहो ब्लॉग में, आपको ऐसे ही नज़ारे दिखाएंगे, नज़ारे ट्रक लाइफ के, और आपको मजा आने वाला इस ब्लॉग में। बने रहो तो प्यार बरसाओ प्यार। तो यहाँ की लोकेशन बताता हूँ, करो ट्रक लाइफ को। तो बने रहो ब्लॉग में। हमें रास्ते में ही रोक दिया गया है यहाँ पर, थोड़ा रोड का काम चला हुआ है। बीआरओ, हमारी बीआरओ फोर्स इस काम को कर रही है। यहाँ का भी व्यू कुछ है नहीं तगड़े वाला। आज बिल्लो ने पूरा पूरा साथ दिया है। दूसरे उसकी गाड़ी हो गई खराब पर मेरी गाड़ी चली है धना धन और चमक रही है अपनी डार्लिंग, बिल्कुल मस्त लग रही है आज। बाकी अपने और ड्राइवर भाई भी चले हुए हैं, लगता है हो गया शायद लोड डंपर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर जिस्पा में। तो ये आपको पीछे दिख रहा होगा, ये है जिस्पा स्कूल। यहाँ पर उतरेंगे अपनी, लोकेशन चेक करो यार, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ।
ठंडी हवा, गर्मी का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ भाई। आजकल हमारे वहाँ फुल गर्मी है और यहाँ फुल सर्दी है। एसी चला हुआ है, एसी। अमन भाई की एक टांग कुत्ते ने खा ली है और इसलिए ये थोड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं सीधा लोकेशन। अमन फिर कोई गुस्सा मारने को अमन चेला बोल रहा है कि इसकी गाड़ी का मोशन टूट गया है। मोशन मतलब कि एक होता है ना गाड़ी रगड़े में चलती है और फिर एकदम से रुक जाती है, उसको बोलते हैं मोशन टूटना। तो अमन की गाड़ी का मोशन टूट चुका है, फुल पावर डोर गिरा, सेंटर बोल्ट गिर गया और तभी इनकी चसी थोड़ी टेढ़ी हो गई है। जैसे अब ट्रक ड्राइवर को पूरा पता होगा कि अमन की कमानी का सेंटर बोल्ट टूट चुका है और गाड़ी टेढ़ी चली हुई है। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर, भाई कसम से जिंदगी है तो यहाँ है, वरना कहीं नहीं है। तो गंदे तब प्लेस में एयर हुआ ना। वाओ भाई मजा आ गया, मजा। चारों तरफ देखो, चेकआउट करो जगह भाई। ओ ये जगह फुल पावर एंजॉय। आना तो मैंने यहाँ बिल्लो को लेके था पर बिल्लो भी खाली हो रही है, फिर इतना टाइम है भी नहीं कि यहाँ रुक सके हम, इसलिए मैंने सोचा कि पैदल ही आऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि किस लोकेशन में गया हूँ, कहाँ गया हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये है अपना जिस्पा, चारों तरफ से जिस्पा जिस्पा जिस्पा, ये जिस्पा दोस्तों। वाओ भाई मजा आ गया, मजा। देखो दोस्तों टूरिस्ट आए हुए नीचे, वो यहाँ पर फोटो क्लिक कर रहे हैं, अभी हम लोग भी फोटो क्लिक करेंगे यहाँ पर जाकर, बढ़िया वाले। तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करो और बताना कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, लोकेशन कैसी लगी, कमेंट करना कौन कौन यहाँ आया है और कौन कौन यहाँ आना चाहता है, इस चीज के लिए भी भाई कमेंट करना। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा स्पेशली वो भी बताना। और क्या मजे लगे तेरे जो तू यही सोए हो रहा भाई, चल रहा ये बंदा। दोस्तों यहाँ पर कुत्ते के गद्दे की तरह सोया हुआ है, यहाँ देखो मजे लूट रहा, पूरे फुल पावर इंजॉय। हाँ जी भाई जी, चलिए भाई जी। हाँ जी भाई जी, भाइयों अब हम लोग जा रहे हैं बिल्लो के पास वापिस, शायद बिल्लो हो चुकी होगी खाली। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई के चैनल को गोल्ड ऑफिशियल ट्रक लाइफ को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। एंड अपने आसपास सफाई बनाए रखो, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखो, अपना ख्याल रखो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट।